भैया हरो राम राम। आपने देखा तो बुंदेली चुगली चैनल, सुनो तो बुंदेली चुगली रेडियो। तो बुंदेली चुगली रेडियो से हम राजेंद्र त्रिवेदी रामचरितमानस को पाठ लेके आप लोगों के सामने रोज प्रस्तुत करें। जैसा कि आप उनका पता भी है कि शनिवार की रात्रि 8 बजे सुंदरकांड और मंगलवार की रात्रि 8 बजे सुंदरकांड। रामचरितमानस को पाठ नित्य प्रतिदिन सवेरे 8 बजे आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत होते। तो बुंदेली चुगली रेडियो के माध्यम से आज हम आप सभी जनन के बीच में रामचरितमानस को प्रसारण कर रहे हैं। भैया रवि में जो कछु गलती हुए तो अपनों समझ के क्षमा करियो। कैसे हमें कछु आउ जाओ तो नहीं है ना, हमें कछु ज्ञान आए, वो तो केवल एक राम को नाम लेवे को बहाना है। तो पेश है भैया आप सभी जनन की खिदमत में रामचरितमानस। सुनो सभी जने, आनंद लो रामचरितमानस पाठ को। बेबुध बे प्रबुध ग्रह चरण बांध कयूं कर जोर, होए प्रसन्न पुरवहु सकल मंजु मनोरथ मोर। सियावर रामचंद्र जी की जय। तो भैया गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रसंग वही चल रहो, विनय प्रार्थना कर रहे सभी जनन से। देवी देवता ब्रह्मांड में जितनी अग्नि तारे जीव जंतु सज्जन मूर्ख जो भी जो को भी सभी जनन खा, गोस्वामी तुलसीदास जी निवेदन कर रहे प्रार्थना कर रहे। उनमें ब्राह्मण पंडित इनके सबके चंदन की बंदरा करके हाथ जोड़ के कह रहे कि आप सब जने प्रसन्न हो के हमारा जो मनोरथ पूर्ण करो, हमें आशीर्वाद दो सभी जने कि जो हमारा रामचरित मानस लिख दो को मनोरथ पूर्ण हुए। पुन बंद्यूं सारद सुर सरिता जुगल पुनीत मनोहर चरिता मंजन पान पाप हरे का कहत सुनत एक हरे अविवेका। फिर भैया वे सरस्वती जी और माँ गंगा देव नदी जी का बोलत कि देवता ऋषि मुनि सभी जने माता गंगा में स्नान करत, उनकी भी प्रार्थना कर रहे विनय कर रहे जिनको सुंदर चरित्र है। गंगा जी स्नान करवे बालन खाओ जो को जलपान करत है गंगा को वो भी तर जात। और ऐसे ही माता सरस्वती के गुण और जन यश होत सुनबे से अज्ञान को नाश हो जात। माता सरस्वती ऐसी सद्बुद्धि देती और अज्ञान को नाश करती। तो वही माता गंगा और माता सरस्वती की प्रार्थना कर रहे गोस्वामी तुलसीदास जी। गुरु पितु मात महेश भवानी प्रणय दीन बंद दिन दानी सेवक स्वामी सखा सिय पी के हित निरुपद सब विधि तुलसी के। श्री महेश जी भोले बाबा पार्वती जी का भी गोस्वामी तुलसीदास जी प्रणाम कर रहे और वे कह रहे कि हमारे गुरु हमारे माता पिता हैं दीन बंधु दीनानाथ त्रिनेत्रधारी भगवान शिव, जो दिन रात अपनी भक्ति को दान करत।
जो भगवान रामचंद्र जी के सेवक हैं, स्वामी हों, सखा हैं। तुलसीदास जी विनय कर रहे कि महाराज हमें शक्ति दो, आशीर्वाद दो कि कपट रहित हम सच्चो हित करवे वाली, समाज को हित करवे वाली रामचरितमानस को लेखन कर सकें, लिख सकें। उस आशीर्वाद मांग रहे शिव पार्वती जी से गोस्वामी तुलसीदास जी। कल बिलोक जगहित हर गिरजा, साबर मंत्र जाल जिन सिर जा, अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। जिन शिवजी और पार्वती ने कलयुग का देख के जगत के हित के लाने साबर मंत्र समूह की रचना करी थी, जिन मंत्र के अक्षर तो बेमेल हैं, जिनको न कोनो ठीक अर्थ होत और न जपई होत, लेकिन शिवजी के प्रताप से जिनको प्रभाव इतनो है कि कोनो भी काम रुक नहीं सकत, कोनो भी अनिष्ट हो नहीं सकत, काम ही होत। ऐसो गोस्वामी तुलसीदास जी की। सो महेश मोहि पर अनकूला, करही कथा मुद मंगल मूला, सुमर शिवा शिव पाए पसाऊ, बरनौ राम चरित चित चाऊ। वे उमापति और शिव जी भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हुए, ई कथा को आनंद मंगल मूल उत्पन्न करवे वाली ऐसी कथा बनाए हम। पार्वती और शिव जी को दोनों जनों को स्मरण करत भय, चरण वंदन करत भय, उनको प्रसाद पाके चाव भरे चित्र से श्री रामचंद्र जी को चरित्र को वर्णन कर रहे गोस्वामी तुलसीदास जी। भनत मोर शिव कृपा विभाती, सति समाज मिल मनहू सुराती, जे यही कथा ही सने समेता, कहीं अही सुने अही समुझे सचेता, होए हैं राम चरण अनुरागी, कलमल रहत सुमंगल भागी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का कह रहे कि जो को हमारी कविता शिव जी की कृपा से, माता पार्वती की कृपा से ऐसी सुशोभित होने कि जैसे तारागणन के बीच में चंद्रमा के संग रात्रि शोभा पाऊत, कितनी सुहानी लगत रात जब चंद्रमा रात हो, तारे चमकत हैं। तो जो ई कथा का प्रेम से सुने और सावधानी से समझ बूझ के कह है और सुने और सुनवा है, तो कल काल के कलयुग के सबई पापन से ऊखा मुक्ति मिल है, ऊके सबई पाप क्षण भंगुर हो जे हैं, नष्ट हो जे हैं, और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के चरणन में उको प्रेम हो जे है, उको अनुराग हुए, बहुत अनुरागी हो जे है, जो को ई कथा खां प्रेम से सुने उके लाने गोस्वामी तुलसीदास जी किए रहे। सपन हु साचहु मोहि पर जो हर गौर पसाओ, तो फुर हो जो कहूं सब भाषा भनत प्रभाव, सियावर रामचंद्र जी की जय। तो भैया रामचरितमानस को पाठ हम तई समाप्त कर रहे, उम्मीद है आप लोगन का पसंद आए, अच्छो लगे। आप सभी जने
कैसी खबरें देखबो चाहत हो बुंदेली चुगली चैनल में, आप अपने सुझाव भेजो, आपके सुझाव को स्वागत करूँ। जो है किस्सा कहानी लेख कोनो प्रसंग जो कछु भी आपके पास अच्छो साहित्य तो हुए आप हमें भेजो, आपके नाम से बुंदेली चुगली रेडियो में उको प्रसारण करो। जो है तो भैया हरो बुंदेली चुगली रेडियो से राजेंद्र त्रिवेदी की सबई जनन को राम राम।